हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। आजकल निकाले जा रहे हैं केवल बातों के मतलब। इस मतलबी दुनिया में कौन मन के भाव समझता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो हिंदी का पेपर हुआ उसकी उत्तर कुंजी की बहुत मांग हो रही थी, तो आज उसकी उत्तर कुंजी लेकर हाजिर हूं मैं। देखिएगा दोस्तों, आपके पास कौन सा प्रश्न पत्र है मुझे नहीं पता, मैं प्रश्न के उत्तर बोले जा रहा हूं। देखिएगा, मेरे पास जो पेपर उसमें है, पहला प्रश्न कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इसका सही उत्तर था सुंदरी। सुंदरी, अगला प्रश्न है, मेरी बहु बादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प था वो था, इसमें राधा की स्तुति की गई है और यहाँ पर श्लेष अलंकार है, एक शब्द के अंदर कई अर्थ चिपके हुए हैं। अगला था कि इन रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर देखिए जो बलचनामा रचना थी वो नागार्जुन की है, पुनर्नवा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आपका बंटी है वो मन्नू भंडारी की है, और अपने अपने अजनबी जो है अज्ञेय की है, इसके अंदर दूसरा विकल्प था। आगे भी था, रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित करना था, मतिराम ललित ललाम की है, सॉरी ललित ललाम जो है मतिराम की है, चिंतामणि काव्य विवेक देव की भाविलास और कुलपति मिश्र की है रस रहस्य। अगला प्रश्न है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। ये रामचरितमानस का जो बालकांड था उसमें ये कथन था राम का। राम कहते हैं कि हम तो आपके ही दास बन तोड़ने वाले। परिंदे जो कहानी है इसमें जो डॉक्टर मुखर्जी है वो तो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे। अगला है, रचनाकारों फिर सुमेलित करना है, इसमें चौथा विकल्प सही था। इस प्रश्न पत्र में तुलसीदास निराला कृत है, पंत की है स्वर्ण धूलि, आंसू है प्रसाद की और निर्जया महादेवी वर्मा की, ये था इसके अंदर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन था, इसमें आज के तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों का यथार्थवादी चित्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्णगढ़ यानी किशनगढ़ के जो भक्त कवि थे नागरीदास, उनका असली नाम क्या बताया इन्होंने? महाराज सावंत सिंह। अगला है, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, एक दोष जो नहीं है वो है यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि ये इसका गुण है, बाकी के सारे इसके दोष थे। इसमें अति सुंदर तन श्याम सरीखो देत हरित पचिताने, ये भ्रमर गीत में किसकी सुंदर तन की वर्णन है? यहाँ पर उद्धव की। ये ज्यादातर प्रश्न हमारी कक्षाओं में से हूबहू आए, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी अगर वीडियो भी देखें अच्छे से तो। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, श्याम के समान सुंदर तन कौन का, किसका है? उद्धव का बताया। माई सांवरे रंग राची पद्म मीरा ने काल ब्याल से बचने का क्या उपाय बताया? ईश्वर का गुणगान। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, अनुकरण विधि के अंदर। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, अगला प्रश्न है, तो गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है इसमें। यदि हम चाहते हैं कि, अगला प्रश्न है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उसे ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। ये किस विधि से संबंधित है? तो ये भाषा संसर्ग विधि से संबंधित है। अगर आपने हमारी शिक्षण विधियां की वीडियो अच्छे से देखे तो सारे प्रश्न सही हुए होंगे, एक या दो प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है तो इसमें सम्मेलन व गोष्ठियां उत्तर होना चाहिए कि यह क्षेत्र नहीं है द्विभाषी पद्धति का, इसमें संशय देखें आरपीएससी क्या मानती है, लेकिन यहीं पे यही होना चाहिए। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर जो ये प्रश्न है, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये यहां पर सही नहीं है।
पढ़ना सीखने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था? मारिया मोंटेसरी ने किया था, अच्छे से बताया हुआ है। इकाई, अगला प्रश्न है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है थॉमस एम रिस का। मैंने सूक्ष्म विधि में पढ़ाया था कि समग्रता और एकता एक जगह नहीं रह सकती, एकता बनाने में क्या है, रिस्क है। अगर आप एक रहने की योजना बनाते हो तो उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। ऐसे करके ट्रिक बना के आपको बताया भी था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह कथन था एलन व इव का। किसका था? एलन व इव का था यह कथन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है 36 मिनट, बताया गया पूरा वीडियो में। इकाई योजना का पद नहीं है तो इसमें मेरे हिसाब से तो शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना यह नहीं है, लेकिन कई प्रस्तावना प्रश्न लिखना भी बता रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा संशय इस एक प्रश्न पे ये ध्यान रखिएगा। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, तो वाचन गति का विकास जो है वो इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है प्रयत्न लागव, यानी जल्दी जल्दी बोलने में अशुद्ध बोल जाते हैं, कई बार हमसे भी हो जाता है। कथित श्रव्य सामग्री है भाषण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो ये यांत्रिक दृश्य सामग्री है, आपको शिक्षण विधियां जब पढ़ाई थी तब ये करवाए थे, यंत्र थे जो भी। फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु। अनुकरण वाचन के भेद हैं, दो भेद हैं। अनुकरण विधि के तो तीन है और अनुकरण वाचन के ध्यान रखना दो ही भेद हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रभावी रूप से बल दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, इसमें भी संशय लेकिन यही होना चाहिए इसमें। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तो यहां पर खीर, बहु और प्रगट, ये सारे के सारे क्या है, तद्भव है। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? तो सभी वर्ण जो मूर्धन्य है वो है, ये यहां पर सभी के सभी है जो मूर्धन्य है, ये विकल्प आपके जो भी प्रश्न पत्र में है। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यहां पर ये है जो नहीं है, गे, जे, बे, ये, इस विकल्प के अंदर सारे के सारे स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो समस्त स्वर अघोष वर्ण है, ये यहां पर गलत है, इसके अंदर ध्यान रखना। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो ममता के अंदर। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो पढ़ाई और लिखावट, ये विकल्प इसमें सही होगा, इसमें क्रिया है पढ़ना लिखना। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? तो भल्लुक, रस्सी और रिक्त, इसमें तत्सम नहीं है। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? तो पाठशाला, व्यायाम और कोयल, इसमें विदेशी नहीं है एक भी। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जब सार्वनाम विशेषण है ये यहां पर सही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। कोशिश ये की कि पूरे प्रश्न सही हो, भूलवश कोई एक दो तो प्रश्न त्रुटि हो जाए तो माफ करना, उसका संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन सारे प्रश्न सटीक मिलेंगे आपको उत्तर, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। अगला देखते हैं, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो आपको भी सूचित कर दें यहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है? तो ये एक रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर अनिश्चयवाची वाची और मध्यम पुरुष की, आपके बारे में यहां पर मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाची, कल कोई कुछ कह रहा था पता नहीं क्या कर रहा था, अनिश्चित है यहां पर अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो प्राथमिक जो नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भाईचारा नहीं है। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, यहां पर अकर्मक क्रिया।
इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपमा के किस विकल्प में? क्रिया विशेषण आश्रित, तो उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। ये व्याकरण में हमने वाक्य पढ़ाए भी हुए हैं, बिल्कुल लघु आकार में, शॉर्ट रूप में ट्रिक्स हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो यहां पर दोस्तों संधि शब्द जो सही है वो ये है, दिक् धन नाग। यहां पर प्रथम और यहां पर पंचम, तो ये बन जाएगा दिनांक। कईयों ने उत धन स्वसित भी किया है, तो उसका उच्छ्वसित किया है, लेकिन यहां पर छह इसमें हलंत नहीं दिया गया, ये आपने गलती कर दी होगी। अगर छह हलंत होता तो यहां पर ये होता, फिर दोनों हो जाते दिनांक वाला और ये। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ना, आपको तो इसमें समुच्चय बोधक अवयव शब्द हो जाएंगे, क्योंकि और तथा, भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छार्थक ये वाक्य है यहां पर। तो इसमें आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 9 से लेकर 12 वाली पुरानी वाली, उसके अंदर कहीं तो जैसे एक एक उदाहरण दिए गए हैं इनके, वो क्यों उठा के दे दिए। तो उस बुक को आप विशेष तौर से पढ़ें, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए व्याकरण की दृष्टि से वो बुक है जो सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? तो यहां पर विशेषण उपवाक्य है ये, कि जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। जयपुर गए और वहां पर, तो और यहां पर आ गया, तो ये यहां पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। किस विकल्प में कृदंत शब्द है? तो यहां पर करणीय जो शब्द है इसमें कृत प्रत्यय लगा है, करणीय में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने? कारक और भगोड़ा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उर्वर अनुर्वर सही है, इप्सित अनिप्सित सही है, आजादी गुलामी, इष्ट और अभीष्ट, ये यहां पर सही परस्पर विलोम नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो इसमें प्रश्न में कईयों के संशय है, कहीं प्रस्तर और उत्पल बताने, उत्पल कमल को कहा जाता है, यहां पर भुजंग और पन्नागिरी होना चाहिए। भुजंग सर्प और पन्नागिरी सर्प का दुश्मन भी बोला जाता है, और सर्प का ही पर्यायवाची इसको बताया जा रहा है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो गुणयुक्त के अंदर। किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? तो विदुर के अंदर वि उपसर्ग नहीं है, दूर कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, फिर अलग हो जाएगा। तो किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो विदित के अंदर कोई भी उपसर्ग है जो नहीं है, बेसुमार में है, विहित में है, बेचारा में है। किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो कारागार में गार प्रत्यय नहीं लगा, मददगार में है, गुनेगार में, यादगार में। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वह सदैव सही समय पर आता है, तो ये अशुद्ध है। वह सदैव समय पर आता है, अगर जो समय पर ही आता तो सही समय क्या होता है? वो समय पर ही आ रहा है, तो वह सदैव समय पर आता है, ये है यहां पर। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो पेट पर लात मारना यानी भयंकर चोट पहुंचाना, ये यहां पर सही नहीं है। बहते गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है, समय से लाभ उठाना चाहिए। अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? हाथ होगा इसमें। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो अवधि और अवधि जो है यहां पर इसमें उल्टा दे दिया, अवधि यहां पर एक सीमा होगी और अवधि जो होगी फिर एक भाषा हो जाएगी। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है संक्रामक। और किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहां पर दोस्तों दृष्टा और जो गरिष्ठ है ये दोनों के दोनों हैं जो यहां पर शुद्ध हैं, और ये 1998 के अंदर आरएस के अंदर भी पूछा गया है। आगे है कि भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, ये संविधान कि किस धारा में? तो ये 343 में है, जो टेस्ट सीरीज बताई थी राष्ट्रभाषा राजभाषा की, उसमें है ये। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोर से नहीं, अपभ्रंश से माना जाता है। और इनमें से कौन से संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर था राजस्थानी। आगे पद्यांश है, इसमें किस व्यक्ति का अर्थ नष्ट हो जाता है? तो धर्मच्युत व्यक्ति का, जो धर्म से च्युत हो जाता है, गिर जाता है उसका जो माफ कीजिएगा अर्थ जो नष्ट हो जाता है। उपयुक्त अवतरण में भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत किसे माना? धर्म को माना गया है, और ये जो अवतरण था इसके अंदर पुरुषार्थ का धर्म के साथ सीधा संबंध माना गया, केवल और केवल मोक्ष से। अगला है
प्रबोधनी में संकलित भोलाराम का जीव रचना के अनुसार भोलाराम किस शहर में रहता था? जबलपुर में। प्रबोधनी में संकलित मीरा ने भवसागर पार करने के लिए किसे अपना खेवट माना? सतगुरु को। सतगुरु को माना खेवट। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। ये दोनों कौन है यहाँ पर? धृतराष्ट्र और विदुर। आपने पद्य भाग अच्छे से देखे, हमारे खेम सर द्वारा पढ़ाए, तो उनमें अच्छे से संवाद इनका समझाया गया है। और फर्स्ट ग्रेड है तो भी कक्षा 11 और 12 के जो पाठ है पद्य भाग अच्छे से देखिएगा उनको, और अपरा के जो 6-7 पाठ बचे हुए हैं वो करवा दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा के पूरे करवाए हुए, 11वीं की और किताबें करवाई हुई है। पीसा जाता जब इक्षु दंड दंड झड़ती रस की धारा अखंड। ये जो पंक्तियां है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। क्षितिज में संकलित मोहन राकेश की आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा संस्मरण है। राजेरा सोरठा में राज्य का मूल नाम क्या था? राजा राम। और युवाओं जो पार्ट है विवेकानंद वाला, इसमें विवेकानंद ने नास्तिक किसको कहा है? जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। जो गिल्लू थी, गिल्लू उसकी गिलोरियों की जो अवधि थी कितने वर्ष की थी? 2 वर्ष की केवल। वीर नारी रचना के अनुसार वीरांगना को किसका पड़ोस अच्छा नहीं लगता? कायर व्यक्ति का। क्षितिज में जो संकलित है लोकसंत दादू दयाल, उनके शिष्यों की बात करें तो इसमें भिखारी दास है जो शिष्य नहीं था, रजब सुंदरदास गरीबदास ये इसके शिष्य थे। विष पिया अमृत दिया रचना में अंबेडकर को नाम दिया था ये उपनाम ब्राह्मण मुख्याध्यापक ने। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। ईद का जो कहानी हामिद की दादी का नाम अमीना, उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी, वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती। इसमें गंगाबाई। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग है, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। ये यहां पर एलोरा की गुफाओं के विषय में है। प्रज्ञा प्रवाह में जो सवैया है रस खान ब्रज की कंटीली झाड़ियों पर क्या न्यौछावर करने को तत्पर है? तो करोड़ों स्वर्ण महल। वहां पर करील कुंज दिया गया, यहां पर कंटीली झाड़ियां दे दिया, तो यहां पर है करोड़ों स्वर्ण महल होगा। अच्छे से बताया गया पद्य भाग में। धरती धोराने की तुलना स्वर्ग से की गई है। रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था उसका नाम दामोदर। और मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रचना के लेखक है विष्णुकांत शास्त्री। कथाधारा में जो जैसलमेर की राजकुमारी है उस राजकुमारी का नाम है रत्नवती, कई रत्नावली की है रत्नवती है। एटम बम के रचयिता अमृतलाल नागर, जिसके चरणों में पड़ा ताल दर्पण सा फैला विशाल। यहां पर विशाल ताल फैला है पर्वत के जो विकल्प है वो सही होगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में बताया और पहले भी बताया हुआ है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दिए मग में डग दुए। यहाँ पर जो राम की क्या प्रतिक्रिया होती है कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, टेस्ट सीरीज में बताया था। ये प्रज्ञा प्रवाह में हार की जीत जो कहानी इसके लेखक है सुदर्शन। अपरा में संकलित यात्रा का रोमांस जो पार्ट, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो यायावर की मंजिल पहले से तय होती है, यहाँ पर यह विकल्प है जो गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अपरा में संकलित सूरदास के विनय संबंधी पदों में कवि ने किन लोगों का साथ छोड़ने के लिए कहा है? तो हरि विमुख, हरि हरि विमुखन को साथ छोड़न, तो यहां पर हरि विमुख जो है वो विकल्प सही है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना उधार मांगना भी एक कला है, यहां पर किस चीज के बारे में कहा गया? तो उधार मांगने कला का अभ्यास करना चाहिए, यह विकल्प इसमें सही होगा। धरा और पर्यावरण में कितने प्रतिशत जंगल बताए गए? 33% बताए हैं। जो प्रजा हितैषी पत्र है उसके संपादक है राजा लक्ष्मण सिंह। अपरा में संकलित रचना भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति के अनुसार सेवा का प्रकट रूप बताया गया पूजा। एक पंक्ति है, सेवा का प्रकट रूप है पूजा, ये ध्यान रखिएगा। और मुंह जोर तुरंग जो किसे कहा गया है बिहारी के दोहों में? तो नैनों को। मुंह जोर तुरंग जो किसको कहा गया? नैनों में, टेस्ट सीरीज में बताया था। मैं और मैं के अनुसार सबसे पहले किसके बारे में सोचना जरूरी है? अपने बारे में, पाठ परिचय में आया है ये। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं मेरी आत्मा का वस्त्र है, इसका पहना मेरे तीर्थ यात्रा। ये तो मजदूरी और प्रेम से लिया गया अंश। सृजन में संकलित आचार्य शुक्ल के निबंध भय के आधार पर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर जो असत्य वो है अति भय और भय कारक का समान सभ्यता के लक्षण है, यहां पर ये दिया गया, जबकि ये क्या है? असभ्यता के लक्षण है, ये यहां पर विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए।
आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर तुम वरो विजय संयत प्राणों से वरण। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यहाँ पर ये जाम्बवान का कथन है। संगत की जे साधु की कभी न निष्फल हो और लोहा पारस परस ते सो भी कंचन हो। ये कबीर की पंक्तियां है। सृजन में संकलित रहीम के नीति के दोहे के अनुसार विपत्ति काल में धन किस तरह विलीन हो जाता है तो प्रातः कालीन जो तारे होते हैं उनकी तरह विलीन हो जाता है। आखिरकार वही बात जिसका मुझे डर था जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ये कुंवर नारायण की है। सरयू में घनानंद के प्रेम पीर वर्णन के अनुसार प्रेम मार्ग किन के लिए कठिन है? कपटी व्यक्तियों के लिए कठिन है। नरेश मेहता की जो रचना है इसमें किरण धेनु क्या चढ़ती है? अंधकार को चढ़ती है वो। पाजेब जो कहानी है बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। और अवधूत शब्द श्रीस के फूल रचना में उधरी जो उपयोग कथन है अवधूत, मैं जब जब श्रीस की ओर देखता हूँ तब तक भूख उठती है हाई वह अवधूत। तो अवधूत यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए आया है। वे राजनेता के साथ साथ रहस्यवादी परम योगी भी थे तो अरविंद घोष के लिए आया है ये। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। ये मंदाकिनी में गेहूं और गुलाब से लिया गया है। बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो ऐसी उजाड़ करती थी। ये जो है निर्वासित पाठ से लिया गया है। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी पट पहुंचती चूनो समुझी नारी निपट आया। यहाँ पर भ्रांति मानव समुझी मान लिया गया भ्रांति हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो है द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12-10 वर्ण होते हैं ये यहाँ पर गलत है जबकि 12 वर्ण होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इस विकल्प में जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां असंगति अलंकार होता है ये यहाँ पर सही नहीं है। आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए अगर अलंकार पढ़े हैं तो वहां पर बताया गया है कि जहां पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता है वहां पर होता है विभावना अलंकार। ठीक है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं ये कथन यहाँ पर गलत है ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सही है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ये विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। यहाँ पर यह जो है कथन है असंगत है। यहाँ पर इनमें माधुर्य गुण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो हास्य और अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर यह है जो असंगत है। यहाँ पर श्रृंगार करुण इनका प्रयोग होता है इसका नहीं होता। अगला है रचना और रचनाकार का सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रावकाचार्य देवसेन कृत है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। बिस्सल देवराज नरपति नाला की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यहाँ पर गोविंद चंद्र की दी गई जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर पंडित की। वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी सोई बनत अब खात। यहाँ पर दोष है क्लिष्ट दोष। इनमें वेदर भी रीति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वेदर भी रीति का आधार प्रसाद गुण है। प्रसाद तो पांचाली रीति का है यहाँ पर वेदर भी का नहीं है। ये यहाँ पर गलत है सही नहीं है। किस काव्य रीति में काव्य रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा ये वामन का कथन है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग यहाँ पर दुष्कर्मत्व है। पहले वाली बात बाद वाली बात है जो पहले पहले वाली बात में इस तरह पूछ लिया गया है तो यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है। पृथ्वीराज राजस्व को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ माना था डॉक्टर उल्लन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास हमारा जो पढ़ाया हुआ है 105-6 वीडियो और भी डालेंगे उनमें ये सारी बातें है। तुलसीदास की रचनाओं में किस रचना का ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है? तो कवितावली के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रचना और रचनाकार का विकल्प असंगत है। ध्यानमंजरी अग्रदास की रास पंचाध्यायी नंददास की विज्ञान गीता केशवदास की यहाँ पर जो हित तरंगिणी है यह विकल्प इसमें असंगत है क्योंकि हित तरंगिणी सेनापति की नहीं कृपाराम की है। यहाँ पर बिस्सल देवरासो की नायिका का नाम है राजमती। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकरत्यायन ने। हिंदी साहित्य इतिहास में पढ़ाया हुआ है। रचनाकार और रचना को मिलाना है। उस्मान की चित्रावली सही है। कुतुबन की मृगावती सही है। मंजर की मधुमालती सही है। और नूर मोहम्मद हंस जवाहिर जो है कासिम शाह बारामंगी की कृति है यहाँ पर नूर मोहम्मद की नहीं है तो ये विकल्प हो जाएगा इसमें। शून्य घर का पावना जो आया तू जाओ यहाँ पर सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण।
श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो श्रद्धा में घनत्व अधिक है और प्रेम में विस्तार, ये यहां पर विकल्प सही नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रचना और रचनाकार से संबंधित विकल्प देखना है तो खंजनयन अमृतलाल नागर सही है, मसली मरी हुई राजकमल चौधरी ये भी सही है, चितकोबरा मृदुला गर्ग ये भी सही है, और जो अंधेरे बंद कमरे है ये राजेंद्र यादव की नहीं मोहन राकेश का है। ठीक है, हाँ 2-3 दिन ही तो हुए मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। जहां लक्ष्मी के कारण ये कथन किसका है? गोविंद का है। रचनाकार और रचनाओं को आगे सुमेलित करना है तो यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प होगा सुख सागर जो है मुंशी सदा सुख लाल की है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है। साहित्य इतिहास में अच्छे से पढ़ाया गया कि जो प्रेम में हो जाता है वो लल्लू हो जाता है, इस तरीके से करके। भाषा योग वशिष्ठ है जो राम प्रसाद निरंजनी और नासिक के तोपाख्यान है जो मुंशी सदा सुख लाल की है। इनमें से किस कवि की रचना है चौथे सप्तक में नहीं है? तो मदन वात्स्यायन की जो रचना चौथे सप्तक में नहीं है। तार सप्तक भी हिंदी साहित्य के इतिहास में ट्रिक से बहुत अच्छे से बताया गया, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे थे तो। ऐसा थे वीणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है वो है इस वीणा को कीर्ति ध्वज ने बनाया था। तो कीर्ति ध्वज ने नहीं बनाया था, वज्र कीर्ति ने बनाया था, वज्र कीर्ति ने गढ़ा था, तो यहाँ पर यह विकल्प हो जाएगा। राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, यहाँ पर जो कथन है ये लहना सिंह का है, दूसरे अंक में प्रारंभिक पंक्तियों में मिल जाएगा। लाऊं पे सिर लाज हूं सदा का हूं दास, गण वे गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। तो वीर सस्य की ये जो प्रारंभिक ही पंक्तियां हैं यहाँ पर वंदना की गई है गणेश की। प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है, यहाँ पर ये सही नहीं है। तो ये यहाँ पर जो इसका जो आधार है वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण से ये आधार है इसका। अगला है कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? इसमें दोस्तों थोड़ा सा संशय है, इसमें होना तो ये चाहिए कि इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया, जबकि युद्ध और शांति दोनों का चिंतन है इसमें। और कहीं से बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ था, तो कहीं से बता रहे हैं कि प्रथम प्रकाशन 1944 में हुआ था और बाद में हुआ था 1946 में। इसमें थोड़ा संशय कंफर्म करके आपको बता दिया जाएगा। एक या दो प्रश्नों, दो या तीन प्रश्नों को छोड़ा है केवल, और सभी प्रश्नों के आपको बिल्कुल सटीक उत्तर बताए, तो मिला लीजिएगा कितने प्रश्न बन हो रहे हैं आपके सही, कितने नहीं हो रहे हैं, और जितने भी हुए बस उनको भुला दीजिए। आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में निरंतर अनवरत आप लगे रहिए, जो बीत गया वो बिसर गया यूं समझे, भविष्य की तैयारी में लग जाए। अच्छे से आपको फर्स्ट ग्रेड के सभी टॉपिक करवाए जाएंगे, निरंतर जुड़े रहें, जोड़ते रहें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब करने के बाद आपने घंटे के निशान को नहीं दबाया होगा, उसे दबा लें ताकि आपको सूचना भी मिलती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।